अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई एम गुड बेटा, आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। चले अब बेटा हम जो है नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, 5090 समर 2-1 क्वेश्चन पेपर 2-1, ठीक है, डिफरेंट वेरिएंट का हम करते हैं। लेट्स सी इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसको आप देखें। द डायग्राम शोज अ रूट हेयर सेल फ्रॉम अ लेमन ट्री एंड सम सॉइल पार्टिकल्स, दिस इज द रूट हेयर सेल, ठीक है, ये बेटा एयर स्पेसिस हैं एंड दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स। सेट वन फीचर विजिबल इन द डायग्राम व्हिच शोज दैट अ रूट हेयर इज अ प्लांट सेल, प्लांट सेल है, ठीक है, विजिबल हमने बताना है और वन फीचर बताना है, दिस इज फॉर 1 मार्क, वेरी सिंपल, ठीक है। विजिबल फीचर्स में क्या हमें नजर आ रहा है, सेल वॉल है, ठीक है, लार्जर वैक्यूल नजर आ रहा है, दो फीचर्स ही विजिबल हैं, सो हम यहाँ पर सेल वॉल लिख देते हैं, थ्रू विच वी केम टू नो दैट दिस इज द प्लांट सेल, या इसके अलावा लार्ज वैक्यूल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो विजिबल फीचर्स हैं वो हमने लिखने हैं। इसके बाद डिस्क्राइब हाउ द मिनरल आयंस पास फ्रॉम द सॉइल इनटू द, मिनरल आयंस के बारे में बेटा हमने बताना है, ठीक है, मिनरल आयंस, और यहाँ पर आप देखें दिस इज कितने मार्क्स का है, दिस इज फॉर 4 मार्क्स। तो मिनरल आयंस कौन से हैं जो यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, मिनरल आयंस जो है दे मूव और दे आर एक्चुअली डिसॉल्व, किसमें डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, अच्छा दे मूव फ्रॉम सॉयल सॉयल टू प्लांट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बेटा वो मूव करते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, थ्रू पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अच्छा पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन के अलावा दे मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, अच्छा पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन से बेटा हम पहले इसका रूट जो है, पाथवे जो है, हम वो भी लिख सकते हैं, इट मूव्स फ्रॉम सॉइल थ्रू सेल वॉल, देन सेल पार्शियल परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, देन इनटू द कॉर्टेक्स, देन इनटू द जाइलम, और फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन भी आप लिख सकते हैं, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजिंग एनर्जी, एंड फ्रॉम वेयर डज दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम, ठीक है, यूजिंग energy, and from where does that energy comes from, that comes from respiration, ठीक हो गया। अच्छा अब 4 marks के लिए बेटा this is sufficient, we have attempted dissolved in water, इसको आप देखें, ठीक है, and then active transport another mark, then partially permeable membrane, this will give you another mark, then from low to high concentration another mark, and using the energy from respiration, देखिए ये हमारे पास ज्यादा marks हो गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम इसका बेटा पार्ट देखते हैं। द लेमन ट्री हैज ग्रोन इन द सेम सॉइल फॉर मेनी इयर्स, सो द सॉइल नाउ लैक्स मैग्नीशियम, सॉइल इज एक्चुअली डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द लेमन ट्री ऑफ अ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम क्या हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मैं बेटा सिंबल लिख देती हूँ, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफिल, राइट, अच्छा देयर विल बी नो क्लोरोफिल और प्लांट विल बी डेफिशिएंट इन क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, एक तो ये हो गया। अच्छा अब इफ देयर विल बी नो क्लोरोफिल तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द क्लोरोफिल देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है,
ठीक है, इफ देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस तो इसमें क्या नहीं बनेगा, देयर विल बी नो ग्लूकोज, ठीक है, फिर हम दिस इज फॉर 2 मार्क्स, तो दिस इज सफिशियंट, यहाँ तक आप लिख लें इसको, ठीक है, क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होगी, इसका नाम है नो फोटोसिंथेसिस अनदर मार्क, एंड नो ग्लूकोज अनदर मार्क, नो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, नो फोटोसिंथेसिस मींस देयर विल बी नो ग्लूकोज, सो वी हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, वैसे ये 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क वर द रिक्वायरमेंट।